Hey girls, welcome back. इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ये आसान सा मेकअप करने का तरीका। तो अगर आप बिगनर हैं एंड मेकअप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ, हाउ आई डिड दिस समर डे टाइम पिंक बारबी डॉल काइंड ऑफ मेकअप। सो अगर आपको पिंक मेकअप पसंद है देन प्लीज स्टे ट्यून एंड कीप ऑन वॉचिंग। एंड दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद फॉक्सी ऐप। फॉक्सी इज अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर कॉन्टेंट क्रिएटर एंड ब्रांड्स, ऑल्सो इट्स अमेजिंग प्लेस फॉर सैवी शॉपर्स। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लेना एंड सर्व एंड एंजॉय द ऐप। तो चलिए अभी शुरू करते हैं ये पिंक मेकअप बिगनर कैसे करें स्टेप बाय स्टेप, गर्मियों के लिए बहुत ही आसान सा मेकअप लुक ट्यूटोरियल। एंड अगर आप करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हो देन दिस इज द मेकअप लुक जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए टू पंप अप योर मूड, बिकॉज मैंने ऐसा मेकअप लुक पहले क्रिएट नहीं किया है एंड करंटली आई एम फीलिंग वेरी वेरी ग्लैमरस एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। लाइक आई एम जस्ट फीलिंग सुपर कॉन्फिडेंट इन दिस मेकअप लुक, इन दिस हेयर एंड द टॉप एंड द नेकलेस एंड हाउ आई एम फुल रेडी राइट नाउ। सो आई होप कि आपको भी ये मेकअप लुक हेल्पफुल लगे एंड यू ऑल्सो इन्जॉय दिस ट्यूटोरियल। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं, हाउ टू डू दिस ईजी स्टेप बाय स्टेप मेकअप फॉर बिगनर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले स्किन केयर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन और रोज वाटर का मिक्सचर अप्लाई किया है। देन मैं DIY फेस ऑयल अप्लाई कर रही हूँ, आप कोई भी फेस क्रीम लगा सकती हैं। आईब्राउज को फिल करने के लिए मैंने ब्राउ पाउडर यूज़ किया है, आप आईब्राउ पेंसिल या आई शेडो को भी यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद आई मेकअप के लिए सबसे पहले मेबलिन का फिट मी कंसीलर आईलिड्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो भी डिसकलरेशन है वो हाइड हो जाए। इस तरीके से कंसीलर लगा लेने से आई बेस जो है वो अच्छा बनता है, आई शेडो की पिगमेंटेशन अच्छी मिलती है और आई मेकअप काफ़ी अच्छी तरीके से निकल के आता है। अगर आप बिगनर हैं तो ये स्टेप फॉलो ज़रूर करें। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद उसको पाउडर के साथ सेट कर लें। इसके बाद मैंने लिया है एली गर्ल का पिंकी पैलेट, ये एक ब्लशर पैलेट है, इसमें दो ब्लशर शेड, एक ब्रॉन्जर और एक हाइलाइटर शेड है और मुझे जो बारबी पिंक शेड चाहिए था वो इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट है और इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत ही अच्छी है। सो मैं ब्राइट पिंक शेड लेके इसको पूरी तरह से मेरी आईलिड के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने लाइट पिंक शेड लिया है सेम ब्रश के ऊपर और इसके साथ मैं क्रीज लाइन को डिफाइन करूंगी और बैक एंड फ्रोथ मोशन यूज़ करते हुए इसको ब्लेंड कर लूंगी एंड देन इसको मैं सर्कुलर मोशन में भी ऊपर की तरफ ब्लेंड करूंगी। इसके बाद मैंने काजल के लिए पिंक रंग की काजल पेंसिल ली है, इस मेकअप लुक में अगर आप पिंक काजल लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। सेम ब्रश के साथ मैं थोड़ा सा आई शेडो लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ जो ब्रश के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल था। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिया है फेसेस का मैट आई लाइनर, इसके साथ मैं एक छोटा सा विंग आई लाइनर लगा रही हूँ। ये आईलाइनर मैट लुक देता है और काफ़ी लॉन्ग वेयर है तो गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा आईलाइनर है। इसके बाद मैंने लिया है मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा जिसके साथ मैं लैशेस को अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ, ये भी लॉन्ग वेयर फॉर्मूला है और इसके साथ बहुत ही अच्छा लुक आता है और ये लैशेस को काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम और लेंथ देता है। फाउंडेशन के लिए मैंने मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन लिया है शेड नंबर 220, इसको मैं पहले डॉट डॉट करके पूरे फेस और नेक पे अप्लाई कर रही हूँ। देन मैंने ली है फेसेस कैनेडा की मेकअप सेटिंग स्प्रे और इसके साथ मैं अपने ब्रश को हल्का सा मॉइस्ट कर रही हूँ। इस तरीके से ब्रश को मेकअप सेटिंग स्प्रे में मॉइस्ट कर लेने से आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड होगा। लाइक मुझे ये ट्रिक बहुत ही पसंद है, इससे फाउंडेशन ब्लेंडिंग ईजी होती है और फाउंडेशन बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और वो सेट रहता है। ऑलरेडी मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन पोरलेस फाउंडेशन है और ये नॉर्मल स्किन से ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मैंने पहले ऑयल अप्लाई किया था और उसके बाद मैंने जो मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ की है फेसेस कैनेडा की वो एक ड्यूई लुक देती है। सो ये सारे प्रोडक्ट मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग काफ़ी सूटेबल है, इससे फाउंडेशन अच्छी तरह से ब्लेंड भी हो जाता है और लॉन्ग वेयर भी टिका रहता है।
नेक्स्ट स्टेप में मैं कंसीलर अप्लाई नहीं करना चाहती, तो मैंने सेम मेबलिन फाउंडेशन की एक और लेयर अप्लाई की है हल्के फुल्के जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन के स्पॉट्स हैं उनको हाइड करने के लिए, और मुंह के पास की एरिया जहाँ पे मुझे लग रहा है कि कवरेज थोड़ी सी कम है, तो मैं एक सेकेंड लेयर फाउंडेशन का अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप कंसीलर नहीं लगाना चाहते या आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे नहीं है, तो इस तरीके से आप फाउंडेशन को लेयर कर सकते हैं। इसके बाद सेम एलिगल के पिंकी पैलेट में से मैंने ब्रॉन्जर शेड लिया है एंगुलर ब्रश के ऊपर, और ब्रॉन्जर लगाने के लिए अगर आप बिगनर हो, आप नहीं जानते किस तरीके से आसानी से आप ब्रॉन्जर लगा सकते हैं, तो आपको ये मेथड फॉलो करना चाहिए। फेस के ऊपर इस तरीके से नंबर 3 बनाएं और फिर आप इन स्टेप्स के साथ अगर ब्रॉन्जर लगाएंगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट और आपका प्रोडक्ट भी सही तरीके से अप्लाई हो जाएगा। देन मैंने एक छोटा सा आई शेडो ब्रश लिया है और इसके साथ एले गर्ल के पिंकी पैलेट में से मैं हाईलाइटर शेड लेके अपने चीक्स के ऊपर हायर पॉइंट्स पे जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। ये थोड़ा सा वाइट टोन में है, तो इसको मोर मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग बनाने के लिए मैंने लिया है मेबलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर, और इन दोनों हाईलाइटिंग कलर को मिक्स करने के बाद आई हैव फाउंड द परफेक्ट डे टाइम वेयरेबल हाईलाइटिंग कलर, क्योंकि ये डे टाइम मेकअप है एंड इफ़ यू वांट दैट एक्स्ट्रा उम्फ फैक्टर, तो इन दोनों शेड्स को मिक्स करने से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड बनेगा। लिप्स के लिए मैंने ली है मेबलिन की सुपर स्टे मैट इंक लिपस्टिक, शेड है रोमांटिक। इसके साथ मैं पहले लिप्स को लाइन कर रही हूँ और उसके बाद मैं लिप्स को थोड़ा सा फिल करने वाली हूँ, लोअर लिप और अपर लिप को। देन जस्ट टू क्रिएट अ ऑम्ब्रे इफेक्ट मैंने ली है मेबलिन की क्रीमी मैट लिपस्टिक इन द शेड लाइवली वॉयलेट, और इसको मैं इनर पार्ट ऑफ द लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड अगेन एले गर्ल के पिंकी पैलेट में से मैं ये दोनों पिंक शेड जो ब्लशर के हैं इनको ब्रश के ऊपर लेके मिक्स कर रही हूँ, और इसको हल्का हल्का जहाँ पे ब्रॉन्जर और हाईलाइटर अप्लाई किया है इन दोनों के बीच में अप्लाई कर रही हूँ। Just to add a little bit of pink color on my cheeks. And same highlighting shade Elle Girl के palette में से मैं eyes के inner corner पे भी apply कर रही हूँ। और ये है मेरा finished makeup. ईजी स्टेप बाय स्टेप समर डे टाइम मेकअप लुक। इस लॉकडाउन में ये पिंक मेकअप लुक आपको कैसा लग रहा है अपने मूड को पंप अप करने के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फॉक्सी ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।